नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों आज हम आए हैं लोधी गार्डन और आज हम आपको दिखाने वाले हैं फना मूवी के कुछ सीन जो कि दिल्ली में लोधी गार्डन और कुतुब मीनार पे फिल्माए गए हैं। तो पहले हम लोधी गार्डन के सीन दिखा देते हैं, उसके बाद हम कुतुब मीनार के भी सीन दिखाएँगे जो कि फना मूवी में लिए गए हैं। और फना मूवी में जो सीन लिए गए हैं वो गाने के बोल हैं, चांद सिफारिश जो करता हमारी देता वो तुमको बता। तो दोस्तों अभी लोधी गार्डन का ये हमारे पीछे साइड का बैकग्राउंड है, तो चलिए हम ले चलते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं और एक एक करके ये इस गार्डन के साथ साथ में फना मूवी के सीन भी दिखाएंगे। यहाँ पे लिखा गया है बंदरों के काटने से मानव जीवन खतरे में है, इस गार्डन में बंदर भी बहुत हैं। चलिए शुरू करते हैं और आपको हम एक एक सीन मूवी के दिखाना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक सीन लिया गया था जब काजोल की सहेलियाँ खड़ी होती हैं और आमिर खान जी यहाँ पे काजोल से आके मिलते हैं, तो वो सीन यहीं पे फिल्माया गया था। तो दोस्तों आ गए हैं अगले सीन की तरफ। इस लोकेशन पे भी आमिर खान जी जब नाच रहे होते हैं तो पीछे साइड में जो दो गुम्बद हैं वो नज़र आती हैं। पीछे मैच कर सकते हैं कि बड़ा वाला गुम्बद और तीन मस्जिदें की गुम्बद जो हैं वो दिखाई पड़ रही हैं। और दोस्तों एक सीन कुछ इस एंगल से लिया गया है, मैं नीचे स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ। काजोल मैम खड़ी होती है और पीछे का बैकग्राउंड जो है वो दिखाई पड़ रहा है, देख सकते हैं आप। दिल्ली का ये गार्डन काफ़ी लोकप्रिय है क्योंकि आए दिन यहाँ पे नए नए मूवी सॉन्ग और बहुत सारे बॉलीवुड के ऐसे सीन हैं जो यहाँ पर शूट किए जाते हैं और यहाँ हज़ारों की संख्या में रोज़ाना लोग घूमने भी आते रहते हैं, जिस वजह से ये काफ़ी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। दोस्तों इस लोकेशन पे आ अपलोड चले फिल्म की भी शूटिंग हुई थी, लेकिन उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो अभी पहले हम पूरा इसको दिखाते हैं फना मूवी की लोकेशन, इसके बाद जो अगली वीडियो आएगी उसमें हम आ अपलोड चले वीडियो का लोकेशन दिखाएंगे जो कि इसी जगह पे शूट हुई थी। दोस्तों अगर जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर 2,500 के करीब रोज़ाना लोग घूमने आते हैं, ये देख सकते हैं, मैं कैमरा थोड़ा घुमा दे रहा हूँ। और यहाँ पे ये गार्डन घूमने में कम से कम नहीं तो 2 से 2.5 घंटे का आपको टाइम लग जाएगा। ये देखिए पार्क में योगासन चल रहा है और भाई का योगासन देखिए किस विधि से कर रहे हैं, अजीब आदमी है यार, बैलेंसिंग कितनी बढ़िया है इनकी। तो चलिए दोस्तों फटाफट बढ़ते हैं हम अगले सीन की तरफ। एक सीन इस जगह पे शूट हुआ होता है, आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत जगह है, वो भी दिखा रहा हूँ। मैं नीचे स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूँ, आप मैच कर लेना। सीन समझ में आ रहा होगा जो कि यहीं पे फिल्माया गया था मूवी का। तो आ गए हैं हम अगले सीन के पास। एक सीन यहाँ शूट हुआ था जब काजोल जी अपने दोनों हाथ करके साइड को घूमती है और आमिर खान जी यहीं पे खड़े हुए होते हैं। तो यहाँ पे काजोल मैम अपना हाथ कुछ ऐसे लेके आती हैं और इस साइड में कुछ सीन ऐसे होता है, आमिर खान जी होते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं हैप्पी सोनी लिखा हुआ है, काफ़ी कपल्स लोग आते रहते हैं यहाँ पे, गंदा कर दिया है इसे कितना। और दोस्तों ये जो आप देख सकते हैं ये उस खाने में वो फिल्म में नज़र आ रहा है। और दोस्तों फिल्म का जो आखिरी सीन था, अब चल रहे हैं उस तरफ। दोस्तों इस गार्डन में समय समय पे बदलाव होता रहता है, जिस वजह से लोकेशन ना ढूंढने में काफ़ी प्रॉब्लम हो गई थी। 4-5 राउंड एक ही लोकेशन पे आने के लिए मैं घूम डाला तो अब जाके मैं यहाँ की लोकेशन मिली, क्योंकि आप देख सकते हैं पीछे हमारे कितना घना जंगल टाइप का है और ये कई किलोमीटर में फैला हुआ है। पब्लिक टॉयलेट की सुविधा निःशुल्क है गार्डन के अंदर। दोस्तों ये गार्डन 90 एकड़ में फैला हुआ है और ये कुछ कुछ जगहों पर इसमें काफ़ी मतलब घना जंगल टाइप में होए, ये देखिए यहाँ पे छोटे छोटे ऐसे ही घने जंगलों के बीच से रास्ता निकला है और समझ पाना बेहद मुश्किल है कि जाएं किधर। पार्क के अंदर ही मोहम्मद सैयद का मकबरा बना हुआ है जो कि ये देख सकते हैं,
चलिए ऊपर की तरफ चलते हैं और देखते हैं कैसा है, क्या है इसके अंदर का माहौल। इस साइड में देख सकते हैं चार दीवारी है ये, और ये चार दीवारी क्या है, 12 खंभा है। अंदर साइड में बहुत सारी मजार बनी हुई है। और इसके जो ऊपर साइड में मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये देखिए, ये भी काफ़ी डिजाइन नुमा गुम्मद है। ये पहले पुराने ज़माने का मकबरा हुआ करता था, जो कि राजा लोग अपने मरने से पहले बनवाते थे। यहाँ पे जगह जगह ऐसे ही बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिन पे मूवियों के सीन लिए जाते हैं। तो अभी ये आप देख सकते हैं, एक रास्ता नीचे से है, लेकिन हम ऊपर वाले रास्ते से चलेंगे क्योंकि देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये देखिए, इस गार्डन की बात ही कुछ और है। और इस गार्डन को मुग़लों ने बनाया था। ये देखिए, इधर का इधर पूरा का पूरा माहौल है। और यहाँ पे कुछ लोग योगा भी करने आते हैं, सामने की तरफ कर रहे हैं, देख सकते हैं। दोस्तों, ये लोधी गार्डन कपलों के लिए बेहद ही नंबर एक का है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी शांति है और काफ़ी स्पेस भी है, देख सकते हैं पीछे साइड में हमारे। तो जिस वजह से यहाँ पे आते रहते हैं घूमने के लिए बहुत सारे लोग। ये हर्बल की नर्सरी है, और क्या है इसके अंदर, ताला लगा हुआ है। अंदर लाजवंती का पेड़ है और बहुत सारे हर्बल में यूज होने वाले पेड़ हैं, देख सकते हैं आप। तो दोस्तों, लास्ट का सीन जो झील के पास हुआ था, तो वो झील मैं अब ढूंढ रहा हूँ कि कहाँ है वो झील। और ये गार्डन इतना लंबा है कि इसमें कम से कम काफ़ी टाइम लग जाएगा यार, 15 मिनट से झील ढूंढ रहे हैं शूटिंग लोकेशन के लिए। तो एक सीन इस झील के पास शूट हुआ था, तो वो भी मैं दिखा दे रहा हूँ आपको चल के। तो फिल्म का जो लास्ट सीन था, और अब ये बीच में पेड़ आ गया है जिस वजह से साफ सा नज़र नहीं आता है, तो वो सीन नीचे स्क्रीनशॉट्स पे लगा दे रहा हूँ, आप मैच कर लेना। और उसके बाद ये देखिए, ये एक झील है, और काफ़ी बड़ी झील है ये, इनमें बतख वगैरह भी पाल रखा है। तो दोस्तों, खाना मूवी के जितने भी सीन लोधी गार्डन के अंदर लिए गए थे, हमने आपको बारी बारी से दिखा दिए गए हैं। और दोस्तों, एक बात और बताना चाहेंगे कि लोधी गार्डन में यार कुछ दिल्ली पुलिस ध्यान नहीं दे रही है, लोग कहीं भी कुछ भी करने लग जाते हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक नए वीडियो पर एक नई लोकेशन के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।